ताहिरा, तुम ताहिरा हो ना? नादिया, तुम नादिया हो? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तू तो बहुत मॉडर्न हो गई है, पहचान में ही नहीं आ रही है। बस ऐसे ही, वैसे पहचान में तुम भी नहीं आ रही हो, कि क्या हाल बना रखी है तुमने? बस ऐसे ही छोड़। अच्छा, यहाँ बहुत गर्मी है, कहीं बैठ के बात। ताहिरा, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? हाँ, शादी तो मेरी हो गई थी, मगर 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 वो शराबी जुआरी था, रोजाना मारपीट करता था मेरे साथ। और फिर एक दिन, अच्छा सच सच बता, कितना अंदर हुआ तू? अबे मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, ताज फटे हुए थे, नाखून लगे हुए थे उसमें, वरना इतने बड़े कार्ड नहीं पिटते मेरे। नोट तो इधर भी नहीं है मेरी जान, चल खैर कर लूंगा पैदा कहीं ना कहीं से, लेकिन गड्डी अपनी लेके जाऊंगा। चल ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे तुम जुआ छोड़ क्यों नहीं देते, जब ये जुआ तुम्हें इतना तंग करता है तो? क्या करूं, जुआ छोड़ दूं तो करूं क्या, डकैतियां मारना शुरू कर दूं? अल्लाह ने तुझे इतना अच्छा हुनर दिया है, कहीं नौकरी भी करे ना तो इतने पैसे कमा सकता है, और रह जाएगी कमी बेशी की बात तो मैं सिलाई करके पूरे कर लूंगी। देख भाई, ये आइंदा मुझे लेक्चर वेक्चर देने की कोशिश मत करियो, अबे मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तेरी कहां से सुनूंगा? खाना लगा दूं? मिलेगी मुझे तेरी? पागल हो गया तू, बीवी को बेचेगा अपने? अरे शर्म और हया सब जुए में हार आया है क्या तू? बकवास करती है, ताने देती है मुझे। मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तेरी बीवी नहीं, अब बेच दूंगा तुझे, बेच दूंगा, चल चल। उसी दिन वो घर छोड़कर मैं चली गई, मेरे भाई भावज ने भी मेरा साथ नहीं दिया, जब से ही जमाने की ठोकरें खाकर घूम रही हूँ। तो फिर तुम आजकल कहाँ रह रही हो? सुबह तक तो अपने किसी अजीज के घर, मगर 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 मेरा साफ का शौहर वहां भी पहुंच गया, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकली, मेरा पीछा कर रहा था वो, उसको चकमा देकर यहाँ तक पहुंची हूँ। तारा तुम कहाँ जाओगी? अल्लाह मालिक है, चली जाऊंगी शेल्टर होम। नहीं नहीं, मैं शेल्टर होम जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे घर में तो तुम्हारे नहीं, नहीं, कोई नहीं रहता मेरे साथ, मैं अकेली रहती हूँ। चलो अपना सामान उठाओ चलो। मुझे पहले दिन से ही जहर लगने लगा था। अरे भाई क्यों उदास बैठी हो? नई नवीली दुल्हन हो, सजा करो, समरा करो। देखो अल्लाह का दिया सब कुछ तो है, और ये सब तुम्हारे लिए तो है। किसके लिए सजूं और संवरूं? अरे मेरे लिए और किसके लिए, तुम बेगम हो मेरी। आपने फिर मुझे बेगम कहा, कितनी बार मना किया मुझे बेगम मत कहा करें। ओके बाबा, ठीक है ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे असली नाम से पुकार लेते हैं, नादिया बेगम। देखो फिर से तुम नाराज होगी ना भाई, हम बहुत कोशिश करते हैं तुम्हें खुश रखने की। अच्छा
आप मुझे वाकई खुश देखना चाहते हैं? यकीनन, इसमें कोई शक है क्या? तो फिर मुझे अलहदा रहकर खुद मुख्तार जिंदगी गुजारनी है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तन्हा हो जाएंगे तुम्हारे बिन। ये मेरा मसला नहीं है, आप अच्छी तरह सोच लें आपको क्या करना है, वरना मैं अदालत से खुला भी ले सकती हूँ। हाँ, जिंदगी की लहरें इंसान को कब कहाँ बहा के ले जाएं पता ही नहीं चलता। खैर छोड़ो, मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा। तुम एक काम करो, अखबार में देखो, इस किस्म की वैकेंसीज आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी अभी मैंने अखबार में इश्तिहार देखा कि आपको काम के लिए खवातीन की जरूरत है, तो मैं तुझे पता है आज अखबार में मैंने इश्तिहार देखा, पहली दफा कॉल की नो, दूसरी दफा कॉल की नो, लेकिन जब मैंने थर्ड टाइम कॉल की यस, कहने लगे कि आप आ जाएं, और फिर मैं चली गई। लगता है जॉब मिल गई है। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है जॉब मिल गई है मुझे, सुबह से रात तक वहीं रहना है, लेकिन छुट्टी कोई नहीं है। मगर काम क्या है? खाने पकाने से लेकर घर का सारा काम, वो तो रिहाइश भी दे रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया। अंदर आ जाओ। आओ ताहिरा, आओ। कैसा लगा आपको मेरे हाथ का खाना? माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ में बहुत लज्जत है। अच्छा, हम आधा घंटा खेलूला करेंगे, उसके बाद दुकान जाएंगे। दुकान जाने से पहले हमें एक कप चाय दे देंगे। ये बताओ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। सफाई करते वक्त ये लिखनी चाहिए। तुम जानती हो इस अंगूठी की कीमत क्या है? नहीं, मुझे मालूम नहीं। तुम बहुत सीधी सादी औरत हो। बड़ा बदनसीब था वो शख्स जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। खैर, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। हमारी तबीयत जरा समझ गए, फिर हम तुम्हें लेके जाएंगे शॉपिंग के लिए। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप इतनी इज्जत से मुझसे बात करते हैं, मेरे लिए यही काफी है। देखो, इस घर को तुम अपना घर समझो और यहां बन सवर के रहा करो, बिल्कुल अपने घर की तरह। और ये
मायूसियां वगैरह दिल से निकाल दो, समझी? जी अब ऐसा ही होगा, आप जाने लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चाय बना दूंगी। अल्लाह खैर करे, फोन भी नहीं उठा रही, इतनी रात हो गई है अभी तक नहीं आई। कहीं ताहिरा का शौहर ताज उसे पकड़कर तो नहीं ले गया? हेलो। हाँ नादिया। अरे भाई तुमने तो डरा ही दिया था, फोन क्यों उठा रही मेरा? अरे अंदर काम कर रही थी, फोन का पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा ठीक है, इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आई तुम। आज बहुत मुश्किल है, साहब जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लगता है कि मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बाले मियाँ, अब तो अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है। तुम सुनाओ, काम काज कैसा चल रहा है? जी उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं, कुछ दस्तखत चाहिए थे आपके। अरे लाओ। डॉक्यूमेंट तुमने अच्छी तरह चेक कर लिए? जी सारे चेक कर लिए। और टैक्स वगैरह तो नहीं आए? अरे जी अगले हफ्ते आएगा इंशाल्लाह। खैर छोड़ो सारी बात है, मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो। हकीम साहब आपको तो पता है कि मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, और रिश्ते जान पहचान से बनते हैं। अब आप ही मेरे लिए कोई रिश्ता देखिए, कोई लड़की हो घरेलू सी। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, लगता है बाले मियां अब तुम्हारे लिए संजीदगी से लड़की देखनी पड़ेगी, है ना? अच्छा ये बता, वो निसार साहब ने सोना वापस दे दिया था? अजी उन्होंने वापस कर दिया था, और कुछ पेमेंट वो नेक्स्ट वीक कर देंगे। हेलो हेलो साहब जी, मैं ताज दोबारा ड्यूटी पे आना चाह रहा था। लगता है तुम्हारी जेब खाली हो गई है, इसीलिए दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हो। हद होती है छुट्टियों की, चार दिन आते हो और चार दिन गायब हैं। साहब जी वो मैं बीमार था ना, इस वजह से नहीं आ सका। लो फिर वही पुराने बहानेबाजियां हैं। यकीन करें साहब जी मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, वादा करता हूँ अब कोई छुट्टी नहीं करूंगा। देखो आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें, कहाँ हो तुम? फौरी पहुंचो, मैंने जाना है कहीं। साहब जी मैं आपके गेट पे ही खड़ा हूँ। क्या गेट के बाहर खड़े हो? ठीक है अंदर आ जाओ, सामने कील पर चाबी टंगी हुई है, गाड़ी बाहर निकालो, ऑयल पानी चेंज करो। हाँ मैं आता हूँ 15-20 मिनट में आता हूँ। ठीक है साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी। किससे चीख रहे थे आप इतना? अरे भाई वही ड्राइवर अपना, एक तो चार चार छुट्टियां कर लेते हैं, और जब पैसे खत्म होते हैं तो इनको सेठ साहब याद आ जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, वैसे हमें मार्केट जाना है, देर हो रही है, चलें? अरे नहीं भाई
जब तक वो गाड़ी बाहर निकालेगा, सफाई करेगा, आयल पानी चेक करेगा, उस वक्त तक क्यों ना हम अच्छी सी चाय पी ले। हाँ जरूर, मैं भी लेकर आई। क्या कर रही है? सारा जमाना ढूंढ लिया मैंने तुझे। चल 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 मेरे साथ। छोड़ छोड़ मुझे, तलाक दे चुका है तू मुझे, बीवी नहीं हूं मैं तेरी, दफा हो जा यहां से। तेरा तो बाप भी जाएगा। चल ए शट अप, पीछे पीछे। नशे में है क्या? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? इस तरह बात की जाती है मालकन से? मालकन है तुम्हारी मालकिन? चल चल, दफा हो जा वरना लंबे अरसे के लिए अंदर करवा दूंगा। तुम तो जानते ही हो ना मेरे ताल्लुकात कहाँ तक है। चल निकल यहाँ से, फुट फुट। और हाँ, चाबी इधर ला, चाबी ला। चल अब निकले। I'm sorry. मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। वो दरअसल क्या है कि मैंने ताज की सारी बातें सुन ली थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया वो तुम्हारा सबका शौहर है, इसीलिए मैंने आपको मालकन कह दिया, ताकि वो हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ दे। अच्छा किया आपने, वरना वो इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ने वाला इंसान नहीं था। चल चलो कोई बात, गाड़ी में बैठो। मेरे साथ धोखा? मैंने हमदर्दी की, तुम्हें साथ रखा, और ताहरा तुमने मेरा ही घर उजाड़ दिया। अब बस बहुत हो गया, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मुझे कोई शौहर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
अरे भैया क्या हो रहा है, कब तक धोते रहोगे? अब तो कोई धोने वाली ले आओ। भाई क्यों मजाक कर रहे हो, अपने काम से काम रखो। और क्यों दूसरों के मामले में मुदाखलत करते हो? लानी होगी मैं ले आऊंगा, तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है? चरपाई के दोनों तरफ सुतरना छोड़ दो। भाई तुम फिक्र करना छोड़ दो, चरपाई मैंने दीवार के साथ लगा दी है, एक साइड से उतरता हूँ मैं, ठीक है? यार तुमने तो दिल पे ले ली, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक नहीं चाहिए भाई मुझे। बाले अरे बात तो सुनो मेरी, कहाँ जा रहे हो? नादिया कैसी है तू? तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज लाई हूँ, इसे देखकर तुम खुशी से पागल हो जाओ। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें अब एक मिनट भी इस घर में गवारा नहीं कर सकती। क्यों, हुआ क्या है? कोई तो वजह होगी। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती। अपना सामान उठाओ और दफा हो। मुझे नहीं पता कि तुम बेवजह रिश्ते कैसे खत्म कर देती हो, मगर शायद यही तुम्हारी कमजोरी है। मगर फिर भी मैं तुम्हें अपना सरप्राइज दिए बगैर नहीं जाऊंगी, समझे तुम? पापा जी अब किसे बुला रही हो अंदर? तुम तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा कि यहाँ से चली जाओ, अपना सामान उठाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ, नहीं आऊंगी कभी तुम्हारी जिंदगी में लौट कर, जा रही हूँ मैं। अच्छा तो ये सरप्राइज था तुम्हारा, दसवीं है ना तुमने मुझे मेरी याद से निकल कर पिला दिया, नहीं बस फिर से मुझे जहर का प्यारा तुमने जिंदगी में ना दिया। तुम इस गरीब को क्यों बातें सुना रही हो? अरे देख ये तो मुझे लेके आई थी तुमसे मिलाने के लिए। अगर तायरा ना होती हम दोनों कभी नहीं मिल सकते थे। हाँ और तुम अपने मौसम को बातें सुना रही हो नादिया? मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि अब्दुल हकीम साहब तुम्हारे शौहर हैं। हाँ बता, इनके मेहरबान रवैये की वजह से मैं खुशफहमी का शिकार जरूर हो गई थी, लेकिन जब मैं आज इनके रूम की सफाई कर रही थी तो अरे क्या देख रही हो? ये किसकी तस्वीर है? ये जोजा मोहतरमा है मेरी, बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। आजकल नाराज हैं वो हमसे, दुआ करो कि राजी हो जाए। अब तो इनके बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की रब्ते की मगर मेरा आपसे वादा है मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी नादिया से। मगर तुम कैसे जानती हो नादिया को? क्योंकि नादिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और मेरे दिल में तुम्हारी कदर और बढ़ गई, तुम वाकई एक अच्छी और मेहरबान हो रहे हो।
और जब मैंने इनकी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत की तड़प देखी तो मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रही। लेकिन नादिया, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा घर तबाह करूंगी? बल्कि मैं तो तुम दोनों को मिलाना चाहती थी। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, और आप भी मुझे माफ कर दें। मैं बहक गई थी, ये भूल गई थी कि इस माशरे में अकेली औरत की जिंदगी सिर्फ कांटों का बिछोना है। माफ कर दें। तुमने मुझे कबूल कर लिया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? कितनी महफूज थी ना आपके नाम के साथ आपके घर में, और कितने मेहरबान थे आप मेरे लिए, और मैं? हाँ, शौहर के बगैर औरत कटी पतंग की तरह होती है, हर कोई लपकता है उसे लूटने के लिए। आप दोनों को जिंदगी की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं जा रही हूं। अरे, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? हमें खुशियां देकर तुम यहां से दुखी नहीं जा सकती। हमने भी फैसला कर लिया है, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह बाले मियां से पढ़ा दिया जाएगा। बाले मियां? हाँ, बाले मियाँ, वो तुम्हारे इस रिश्ते से बहुत खुश है, और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा।